वेलकम। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बिल कैलकुलेशन। जो घर में हमें बिजली का बिल मिलता है, जो कि हम मंथ के लास्ट में पे करते हैं, तो वो बिल हमारा कैसे कैलकुलेट होता है, उसके बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे और कुछ जनरल टर्म्स में उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कुछ यूनिट्स का हमने सुना होगा, तो वो यूनिट्स क्या होती हैं, वो पर्टिकुलर जो एनर्जी हमने कंज्यूम की है, जो हमने खर्च की है एक महीने में, वो कैसे हमारा बिल बन करके कुछ अमाउंट के फॉर्म में आता है जिसको हमको पे करना पड़ता है। तो हमने ये देखा होगा, ये हमारा एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर यहाँ पर जो पुराने वाले होते थे हमारे, मैकेनिकल वाले सिंपल, उसमें क्या होता था, एक डिस्क लगी होती थी जो कि घूम रही होती थी कुछ स्पीड से, और यहाँ पर कुछ रीडिंग आती थी। तो ये वही रीडिंग होती थी जिसको हम यूनिट्स कहते हैं, मीन्स ये रीडिंग हमारी यूनिट की रीडिंग होती थी जिसकी हेल्प से हम बिल का कैलकुलेशन करते थे। तो ये दोनों जो हमारे वायर आ रहे हैं, ये हमारे बाहर से आ रहे हैं, और ये दोनों वायर जो हैं हमारे, वो मीटर से अंदर निकले हैं जो कि हमारे घर को जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा घर है, होम। तो यहाँ जा रहे हैं ये दोनों तार हमारे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अप्लायंसेस कनेक्ट होंगी जिनका कि यूज़ हम करते हैं, उसी अकॉर्डिंग हमारा बिल आता है, उसी के हिसाब से हमें बिल चुकाना पड़ता है। तो अगर हम सपोज़ करते हैं कि इस घर में हमने एक फ़ैन लगा रखा है, एक पंखा लगा है, दो बल्ब लगे हुए हैं, एक कूलर है, एयर कूलर, और एक हमारा फ्रिज है, तो हम ये चार चीज़ें कंसिडर करके चलते हैं। छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे कि बिल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो फ़ैन है, सपोज़ करते हैं हम 50 वाट का पंखा है। ठीक है, ये जो दो बल्ब हैं हमारे, सपोज़ करते हैं हम 100 वाट के बल्ब हैं, नॉर्मल बल्ब जो हम यूज़ करते हैं। कूलर सपोज़ करते हैं हम 300 वाट का है, और फ्रिज जो है वो भी हम सपोज़ करते हैं कि 300 वाट का है हमारा है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कि टोटल वाट जो है इसका कितना है। मीन्स ये तो 50 हो गया, क्यों? क्योंकि एक ही फ़ैन लगा हुआ है। ठीक, दो बल्ब हैं, इट मीन्स इनटू टू, जो कि हो गया हमारा 200 वाट। ठीक है, तो बल्ब का हमारा 200 वाट हो गया, कूलर हमारा 300 हो गया, और फ्रिज भी हमारा 300 हो गया। अब हम देखते हैं कि दिन में हम कितने घंटे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मीन्स ये कितने घंटे ऑन है, कितने घंटे चल रहा है, उसके हिसाब से हमारा एक दिन का बिल कितना हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज़ करते हैं पंखा हमारा चल रहा है 24 घंटे में से 20 घंटे, 20 घंटे चल रहा है हमारा पंखा, बल्ब भी हमारे जल रहे हैं 20 घंटे। ठीक है, कूलर जो है हमारा वो सपोज़ करते हैं हम 10 घंटा चल रहा है, और फ्रिज भी हम मान के चलते हैं कि 10 घंटा चल रहा है। अब ये तो एक घंटे का हुआ ना हमारा, तो हम 10 घंटे का निकालेंगे या 20 घंटे का निकालेंगे, तो गुणे 20 करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा 1000 वाट। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे तो 20 घंटे चल रहा है इंटू 200 है, इट मीन्स ये हमारा हो गया 4000 वाट। उसी तरीके से हमारा जो कूलर हो गया 10 घंटे चल रहा है, तो ये हो गया हमारा 3000 वाट, और ये जो हमारा फ्रिज है ये 300 वाट का, और ये भी 10 घंटे चल रहा है, तो ये भी हो गया हमारा 3000 वाट। अब हम इस चारों को जोड़ेंगे, मींस ये एक दिन की पावर जो यहाँ पर हमारे, या एक दिन की एनर्जी, पावर तो हमारी ये थी, और जब गुणे हो गया हमारा किससे, टाइम से, इट मींस पावर इनटू टाइम जब हो जाता है उसी को हम एनर्जी कहते हैं। ठीक, तो एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये हमारी एनर्जी निकल गई, मींस वाट इनटू आवर, वाट इनटू आवर, वाट इनटू आवर, वाट इनटू आर। अब इसको हम चारों को जब जोड़ेंगे तो 3, 3, 6, 4, 10, 11, इट मीन्स हम कहीं और लिख लेते हैं इसको, ये हमारा 11000 वाट आवर आया। ठीक है, 11000 वाट आवर को हम अब समझेंगे कि कैसे वो उससे यूनिट निकलती है, और कैसे हम बाद में उससे हम अपना बिल जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो हमारा 11000 वाट आवर आया, वाट इनटू आवर आया, ये हमारा एक दिन का हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अब यहीं पर ही हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम यूनिट किसको कहते हैं। तो यूनिट होती है हमारी किलो वाट आवर, इसी को ही हम यूनिट कहते हैं। मींस ये जो वाट आवर में लिखा हुआ है, इसको जब हम किलो वाट आवर में कन्वर्ट कर देंगे तो यही होती है हमारी यूनिट। तो जो यूनिट का वर्ड है, जो आता है कि कितनी यूनिट्स हमने बिजली कंज्यूम की, कितनी यूनिट हमने बिजली इस महीने खर्च की, वो हमारा कुछ नहीं बल्कि किलो वाट आवर होता है। तो इसको किलो वाट आवर में बदलने के लिए हमने 1000 से इसमें भाग दे दिया। 1000 से भाग देने के बाद हमारा 11 यूनिट, इट मीन्स दिन भर की हमने 11 यूनिट्स अपनी खर्च कर ली। अब हमें एक डाटा ये मिल गया कि हमने 11 यूनिट्स बिजली एक दिन में इस्तेमाल की। ठीक है, अब हमारा दिन, एक दिन का 11 यूनिट आ गया, तो हमारा 30 दिन का, मीन्स महीने का जो हमारे होगा, इनटू 30 किया हमने, तो ये हमारा आ गया 330 यूनिट्स। तो ये जो 330 यूनिट आई, ये हमारी कितने दिन की हो गई, ये हो गई हमारी 1 मंथ,
एक महीने की यूनिट होगी हमारी। अब यूनिट्स के बेसिस पर ही हमारा रेट डिफाइन होता है। तो सपोज करते हैं कि हमारा रेट कुछ ₹2 पर यूनिट मीन्स एक यूनिट खर्च करेंगे आप तो ₹2 देना पड़ेगा। इट मीन्स 330 यूनिट किया है तो 2 से जब हमने गुणा किया तो ₹660 हमें देखने को मिल गया। मीन्स हमारे घर का जो बिजली का बिल आया वो हमारा 660 आया। अब ये बिल किस पे डिपेंड किया? हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, मतलब कि हमने कितनी यूनिट खर्च की थी बिजली, उसके हिसाब से हमने निकाला कि हमारा महीने का बिल क्या आया। इट मीन्स अगर हम एक पंखा, एक कूलर, एक फ्रिज और 2 बल्ब जला रहे थे जो इस केस में लिया था, और जितने घंटे वो चले थे, जितनी वॉट के थे, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर वॉट आवर मीन्स वॉट इनटू आवर एनर्जी निकाली, और एनर्जी को 1000 से डिवाइड कर दिया तो किलोवाट आवर में आ गया, उसी को हमने यूनिट बोल दिया। अब वो किलोवाट आवर की जो यूनिट थी उसी के बेसिस पर पर यूनिट कितना पैसा आपको देना है वो हमारा बिल हो जाएगा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से ये निकाल दिया और ये हमारा हो गया महीने का बिल। ठीक है, बट इतना बिल जनरली नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कुछ ऐसे चार्जेस भी होते हैं मीटर के जिनको हम फिक्स चार्जेस कहते हैं। तो सपोज़ करते हैं हमने 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, या कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का, कुछ पर्टिकुलर लोड का हमने कनेक्शन लिया होगा, और जैसे ही उस लोड के हम बाहर निकलेंगे तो कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने तो गवर्नमेंट से बोला हुआ है कि हमको 2 ही किलोवाट का लोड चाहिए था, पर हम 3 किलोवाट का कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है, गवर्नमेंट हमको पेनल्टी लगाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारा मीटर लगा हुआ है तो कुछ सिक्योरिटी अमाउंट वहाँ पर जमा है ना, तो वो हमारा कुछ फिक्स चार्ज के फॉर्म में वो हमारा हर महीने वो भी हमको पे करना पड़ेगा मिनिमम। तो इस तरीके से बिल वो सारी चीज़ों को भी जोड़ करके कुछ इससे ज़्यादा या कुछ इससे कम हमें आता है। कुछ पुराने महीने का भी, हमारे पिछले महीने का भी बकाया होगा, वो भी इसमें जुड़ जाएगा, तो उसके साथ हमें बिल प्रोसेस होकर के मिलता है। तो ये जनरल सा आइडिया होगा हमारा बिल कैलकुलेशन का। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू सो मच।